अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। वाह बजाज वाह, तू तो पैसे के गुरूर में हमेशा रहा। तू क्या जाने बाप का प्यार क्या होता है और बेटे का दर्द क्या होता है। हमें देख, परवरदिगार ने हमें औलाद नहीं बख्शी, मगर हमने तेरे बेटे को, हाँ तेरे बेटे गोविंदा को अपना बेटा समझा और उसे बचपन में आश्रम जाके इन बाहों में हमने खिलाया। और तूने समझा तो क्या समझा, अपनी जायदाद का वारिस, और हमने उसे अपनी जिंदगी समझा, और उसे आज तक खुदा जानता है कि उसी नजरिए से प्यार किया। और तूने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक मियां बीबी जिनके औलाद नहीं थी वो अपने दोस्त के घर गए जिनके कई बच्चे थे, और उन बच्चों के माँ बाप शिकायत करने लगे कि हमारे बच्चे हमारे मकानों की दीवारों पर पेंट करके खराब कर देते हैं, हमारे सोबे के गिलाफ को फाड़ देते हैं, हमारी पेंटिंग को उथल पुथल कर देते हैं। ये मियां बीबी सुनते रहे और कहने लगे, काश हमारे घर की दीवारों को खराब करने वाला कोई होता, काश हमारे सोफे को फाड़ने वाला होता, हमारी पेंटिंग को खराब करने वाला होता। ये थी कशिश औलाद की। और एक तू जिसके औलाद तो है लेकिन प्यार नहीं। लेकिन खान, वो एक नाचने वाली को हमारी बहू बनाना चाहता है और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। अरे तू सटिया गया है बजाज, सटिया गया है। जमाने के साथ साथ चलना सीखो, और फिर इसमें बच्चों का क्या कसूर है? अरे तुमने ही तो उस नाचने वाली को उसके पीछे लगाया था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उससे शादी करो। तू क्या सोचता है, सारी दुनिया तेरे हिसाब से चलेगी? तूने बहुत बुरा किया है मेरे बच्चे का दिल तोड़कर। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने बेटे की खुशियां मत छीन, उसकी शादी शीतल से कर दे, बस। ये हरगिज नहीं हो सकता। फिर तू एक दिन बहुत पछताएगा बजाज। तू अपनी जिद अकड़ और पैसे के गुरूर में है, पर देख लेना मेरे मुन्ने को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आखिर में वही हुआ ना जिस बात का डर था। उस हरामजादी ने गोविंदा को अपनी जवानी के जल में फंसा लिया। अरे फोकट में टेंशन काई को लेती है, ये शादी नहीं होएगा। ये बजाज है ना, इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। बजाज अंकल को तुमसे अच्छी तरह मैं जानती हूँ। गोविंदा उनकी कमजोरी है, गोविंदा की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज नहीं तो कल वो शादी के लिए राजी हो ही जाएंगे। टोनी ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें टोनी का भी नुकसान है। अगर तेरी शादी गोविंदा से नहीं हुई तो मेरा पैसा कौन वापस करेगा है? तेरा बाप तो हाथ में कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा कि ले लो जो लेना है, और मैं उस फोकट कंगाल से क्या लेगा है? इसलिए टोनी कुछ भी करेगा पर अपना पैसा डूबने नहीं देगा। अगर गोविंदा की शादी होगी तो सिर्फ तेरे से ही। सिर्फ डायलॉगबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करके भी दिखाओ। तुम बड़े होशियार बनकर गए थे फार्म हाउस से शीतल को उठाने के लिए, क्या हुआ मार खाकर वापिस आ गए। उस गोविंदा ने तुम्हें इतना मारा कि थोपड़ा डेकोरेट कर दिया था कि दो दिन तक तुम हॉस्पिटल में पड़े रहे थे, याद है? डोंट अंडरएस्टिमेट मी। तेरे उस हीरो की किस्मत अच्छी थी जो बच गया, लेकिन हर बार किस्मत काम नहीं आती। इस बार अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी गर्दन को सूखी लकड़ी की तरह तोड़ डालेगा। अकल से काम लो टोनी, अकल से। अगर गोविंदा को कुछ हो गया तो मैं शादी कैसे करूंगी? हमारे मकसद का सबसे बड़ा कांटा है शीतल, तुम उसके बारे में सोचो। डोंट वरी, इस बार तो मैं शीतल का ऐसा परमानेंट बंदोबस्त करेगा कि शीतल या तो ये शहर छोड़ देगी या तो ये दुनिया। हाय बेबी। ये सब क्या है टोनी? सुना है बहुत फड़फड़ा रही है आजकल तू उस कबूतर के साथ है? ये मेरा जाती मामला है। जिस जिंदगी पर टोनी की परछाई पड़ जाती है वो सिर्फ टोनी की मर्जी से चलती है, समझी तू है? मैं ग्रहण हूँ, ग्रहण। एक बार लग गया ना तो जिंदगी तबाह कर देता हूँ, समझी तू? Oh, my God.
रुक साले। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत बचाई। इज्जत मैंने तुम्हारी नहीं अपनी बचाई है। रुको शीतल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शीतल कहाँ जा रही हो? ये क्या हो क्या रहा है? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया शीतल। शीतल मेरी बात का जवाब दो। शीतल मुझे जाने दो गोविंदा। क्यों? इसलिए कि इसमें सबकी भलाई है। भलाई? किसकी भलाई? कैसी भलाई शीतल? तुम्हारी भलाई, तुम्हारे परिवार वालों की भलाई। क्योंकि क्योंकि जिस राह पर मैं चल रही थी ना, वो राह कभी मेरी थी ही नहीं। जो जो सपने मैंने देखे थे ना, उस पे तो कभी मेरा अधिकार था ही नहीं। जो ख्वाहिशें मैंने पाली थी ना, वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। मेरी हालत तो आंधी में उड़ने वाले उस तिनके जैसी है, जो जो धूल और मिट्टी में फना तो हो सकता है, लेकिन किसी आशियाने का हिस्सा नहीं बन सकता। क्यों नहीं? तुम कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। तुम हकीकत कुछ नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ शीतल, मैं जानता हूँ। मेरे पिता ने तुम्हें मुझे अपने प्यार में फंसाने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें ये कहा गया था कि मुझे झूठे प्यार में फंसाओ और मुझे शादी के लिए तैयार करो, और इस काम के लिए उन्होंने तुम्हें 3 लाख रुपए भी दिए थे। तुम तो सब जानते हो। हाँ, फिर भी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ शीतल। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीतल। सब कुछ जानने के बाद भी? हाँ, और सब कुछ जान लेने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम कितनी महान हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शीतल। हम शादी कर लेते हैं, हम कल ही शादी करेंगे। वरमाला डालिए। वाह वाह वाह, मुबारक हो। कल्याण राधे कृष्ण, मुन्ना बचुआ और बहुरानी को सदा सुखी रखे। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? हम तो तुम्हारे घर के नौकर हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे पिता समान हैं। वाह बेटे वाह, ये तेरे पिता समान हैं, और मैं क्या चोर हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ? बेटे तू बड़ा हो गया है, इसलिए अपने पिता का घर छोड़कर आया है, लेकिन तू मेरी तपस्या का फल है। मैंने 20 साल तेरे जुदाई का सदमा सहा है, सिर्फ इसलिए तू सलामत रहे। वाह बजाज साहब वाह। हाँ खान साहब, आप सच कह रहे हैं। मैं कुछ समय के लिए मेरे बेटे में अपने जायदाद का वारिस ढूंढ रहा था, लेकिन आपकी बातों ने मेरे अंदर के बाप को जगाया है। बेटे मैं वक्त के हाथों मजबूर था, मैंने तुझे अपनी गोद में लेकर नहीं खिलाया, कंधों पर लेकर नहीं घुमाया, लेकिन क्या तू मुझे कंधा नहीं देगा? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। अरे इसे कोई समझाओ, शादी के दिन रो रहा है। बेटी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ नहीं करोगी? ऐसा मत कहिए सेठ जी। सेठ जी नहीं, अब ये तुम्हारे पिताजी है। अरे सुखी रहो। पुतो नहाओ दूधो फलो। अरे उल्टा काहे बोलत हो, दूधो नहाओ पुतो फलो। ठीक है तू नहाओ, मैं इसको पालता हूँ। शीतल आखिर तुमने ब्रह्मचारी को कामचारी बना ही दिया ना? कम्मू दूध पीकर आता हूँ तेरे पास। आज रात को तूफान आने वाला है। शक्कर कम है, शक्कर लेके आता हूँ। मीठा होगा तो मजा आएगा ना। आया आया है मेरी कम्मू। हाँ
घुंघरवा मोरा छनन छनन बाजे हाय हाय मेरी कम्मो। मैंने कहा था ना कि आज की रात तूफान आने वाला है। हाय हाय कहा था। कम्मो मैं तुम पे मर रहा हूँ। मर गया। जल्दी मरो ना। कैसे मरूं? मर गया। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहाँ जाता हूँ? आता हूँ। अरे कैसे सुनूं? अरे मर गया हूँ, जल्दी करूँ। जाने जा रहा है, सारा मूड खराब कर दिया बुढ़े ने। गया कम्मो। टॉम ये क्या पहन के रखा है? मेरा वाला पहन ले। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कहाँ से आ गए? अगर वो सामू आ गया तो? ओ बुढ़ा अभी तो आने वाला नहीं है, 5 मिनट तक आने वाला नहीं है। 5 मिनट? तुम सच कह रहे हो? अरे मेरे फालतू तुम कितने काम के हो। वो आने वाला ही नहीं है। अच्छा उसे ऐसा खिला दे। अरे बाप रे मर गया। अच्छा लगा। अरे अरे कम्मो, अरे मैंने लाल फूल लगाया था, पीला कैसे हो गया? पीला? वो गर्मी से। हाँ अंदर की गर्मी से। पूछो न कैसे मैंने रन बिताई। नहीं पूछती। एक पल बीता, एक जुग बीता। क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है। कहा? मैं अभी आता हूँ। हाँ आता हूँ। कहाँ जाता हो? वही पहले जो काम करने गया था वही करने पहले जा रहा हूँ। सुनो तो। नहीं सुन सकता। पूछो ना कैसे मैंने गोली खिलाई कम्मो। आज ही इसको, आज ही इसको होना था। कम्मो बनाया हुआ है। बदली का चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मैं आता हूँ। मगर अब कहाँ जाता हूँ? बहुत जरूरी काम है, जाना ही पड़ेगा, जाना है। बैठ जा अभी। लगता है बुड्ढा कमोड़ में ही मरेगा। मेरी कमोड़ आएगी कमोड़। वो 5 मिनट के लिए आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो मैं हूँ ना। पूरा शरीर खाली हो गया, ये धोती। अरे अरे कम्मो मुझे माफ कर देना, ये धोती छूट गई थी। कहाँ गए रहे? मैं वहीं गया था। क्या हाल बना रखा है आपने? मेरा हाल किसी ने बनाया है। निंदिया आजा रे आजा। ये अपना हनीमून है ना, उसमें किसी की नजर लग गई है। हाँ हमेशा से ही लगती आई है। वो राहु है साला, कौन है समझ में नहीं आता। तुम तो सोई जाओ आराम से, इस उम्र में ऐसा ही होवत है। तुमसे अच्छा तो ऊ है। वो कौन? केतु। केतु? हाँ फिर ठीक है केतु। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि उस बजाज के बच्चे ने हमारे साथ वादा किया था कि तुम दलन बनकर उनके घर जाओगी। बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ। मेरे तो सारे ख्वाब ही टूट गए डैडी। अगर मेरी गोविंदा से शादी हो जाती तो मैं दौलत में खेलती, रानी बनकर राज करती, मगर शिट। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और तुम तो अपने बाप को अच्छी तरह से जानती हो। 1000 हरामियों का 1 हरामी तुम्हारा बाप है। रिलैक्स। हेलो डैडी, टोनी का फोन है। रोकड़ा मांगता होगा और क्या।
हाँ डोनी, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सब से काम लो मेरे यार, हाँ आता हूँ। इसको भी बस लो, पी जाओ सेठ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अपुन के डेविड से बात हो गई है, उसने शीतल की फोटो मांगी है। अरे फोटो मिल जाएगी, मिल जाएगी फोटो, लेकिन ये जो हारी हुई बाजी है उसे जीतना है, जीतना ही पड़ेगा हमें। अरे जीतनी ही पड़ेगी प्रेम सेठ, पर ना अपुन का रोकड़ा कौन लौटाएगा? बड़ी चालाक निकली भैया, बड़ी चालाक निकली। नाचते नाचते नोटों के ढेर पर जा बैठी। प्रेम सेठ, अरे अपुन उसे नोटों के ढेर से रोड पे न लाया तो अपुन का नाम भी टोनी नहीं। हाँ लेकिन टोनी, ये सब होगा कैसे? होएगा सेठ, होएगा, होएगा, होएगा। लेकिन रोकड़ा कितना खर्चा होएगा? ओनली 10 लाख। क्या 10 लाख? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे प्रेम सेठ, जहाँ करोड़ों कमाना हो ना, वहाँ लाखों की नहीं सोचते। हाँ। समझे? बात तो ठीक है, चलो सौदा मंजूर है। सौदा मंजूर है? अरे फिर तो समझो अपन बाजी जीत गए। चेयर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए साहब। क्या श्यामू जी यही रहते हैं? हाँ श्यामू जी यही रहते हैं, बोलिए क्या काम है? देखिए कुछ प्राइवेट काम है उन्हीं से, उन्हें बुलाइए। अरे मैं ही श्यामू हूँ, बोलिए ना क्या प्राइवेट काम है। अच्छा तो आप ही श्यामू जी हैं? हाँ। उम्र? 40 या 45। 40 या 45? अरे भाई 40 लिख लो। सेक्स? हफ्ते में 2 बार। श्यामू जी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब है कि मर्द या औरत। औरत? भाई तुम कौन हो यार, मेरे से इतने सवाल क्यों पूछते हो? देखिए सर मैं नसबंदी ऑफिस से आया हूँ। नसबंदी ऑफिस से आया हो? अरे 2 साल पहले नसबंदी ऑफिस से मेरे पास एक आदमी आया था, वो कनेक्शन काट के तो चला गया, अब तुम क्या मीटर उखाड़ के ले जाओगे? देखिए हमें खबर दी गई है कि यहीं पर बुलाया गया है। तुमको खबर मिली है? जी। किसने खबर दी? नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया है। अच्छा, नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया है, ठीक है तुम गुप्त रखो, मैं ढूंढ के निकालूंगा उस गुप्त को। डैडी टोनी अब तक क्यों नहीं आया? आता ही होगा बेटी, मैंने अभी फोन किया था, वहां से तो वो निकल चुका है। गुड मॉर्निंग प्रेम सेठ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डेविड कहाँ है? डेविड नहीं आया, उसके पास टाइम किधर है, पर उसने दोस्ती के खातिर अपना काम कर दिया। ये देखो कैसे अब तुम्हारा सारा प्रॉब्लम खलास। थैंक यू वेरी मच टोनी, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, 10 लाख कीमत है इसका, और डेविड ने बोला है कि उसे पैसा 10 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है भैया, दे देंगे, दे देंगे, कौन सा भागे जा रहे हैं, लेट्स सेलिब्रेट।